वो घर से वो प्रोडक्ट्स नॉर्मली डिसाइड करके नहीं जाता है एंड ही नॉर्मली टेक्स द डिसीजन वंस ही इज़ इन द स्टोर एज पर द रिसर्च 65 फाइव परसेंट टू सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द कस्टमर परचेज आर नॉर्मली इम्पल्स परचेज सो अब हम वो तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि नॉर्मली किसी न किसी तरीके से कस्टमर के डिसीजन को इम्पेक्ट कर रहे हैं वो तमाम एलिमेंट्स बेशक वो डेमोग्राफिक्स हैं लाइफ स्टाइल है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो कस्टमर की नीड्स हैं कस्टमर का एटीट्यूड है सो लेट मी पिन डाउन ऑल पॉइंट्स आपके सामने इन डिटेल और फिर उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं सो व्हाट मेक्स रिटेल शॉपर टेक सबसे पहले हम वो एलिमेंट्स डिस्कस करने लगे हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया है so, सो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है विच इज डेमोग्राफिक्स नंबर वन पे डेमोग्राफिक्स वेरी इंपॉर्टेंट रिटेलर को द फर्स्ट थिंग ही नीड टू सी द कस्टमर्स आप डेमोग्राफिक्स में कौन कौन सी बातें शामिल हैं विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑफ द कस्टमर वो एज ब्रैकेट क्या है जेंडर क्या है ऑफ़ द कस्टमर कितने उस लोकेलिटी के अंदर वेर इज इज हैंग शॉप और वेर इज इज टारगेटिंग द कस्टमर्स वो क्या है इसी के अलावा वहाँ पर उन कस्टमर का एजुकेशन लेवल क्या है फिर उनकी एजुकेशन के बाद उनको ऑक्यूपेशन क्या है वो ज़्यादा लोग प्राइवेट जॉब करते हैं ज़्यादा लोग बिजनेस मैन हैं या पब्लिक सेक्टर के साथ एसोसिएटेड हैं या प्राइवेट सेक्टर के साथ एसोसिएटेड हैं इवन एज ग्रुप के अंदर ही इन सी जिस तरह मैं अभी जिक्र कर रहा था कि ये मेरे साथ ज़्यादा लोग जो हैं वो सिल्वर एक्नमी का हिस्सा लोग हैं या जनरेशन जेड के लोग ज़्यादा हैं सो तमाम परस्पेक्टिव में उसको अपने डेमोग्राफिक्स को अंडरस्टैंड करना है ताकि इंश्योर कर सके कि वो राइट right कस्टमर को टारगेट करने जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ही उसके पास सोल्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज मौजूद हैं सो डेमोग्राफिक्स वन ऑफ द की फैक्टर्स है जब हम बात करते हैं किसी भी परस्पेक्टिव में रिटेलर के लिए कि उसने किसी कस्टमर को किसी रिटेल शॉपर को टारगेट करना है दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लाइफ स्टाइल है जिस तरीके से बड़ा क्लियर है एक रिटेलर को ये जानना कि आप जिस स्टोर को जिस कस्टमर को टारगेट करने जा रहे हैं वो उस कस्टमर का लाइफ क्या है जब हम लाइफ की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइफ के अंदर सबसे पहले अगर मैं कुछ की एग्जाम्पल्स दे लेता हूँ लेट्स से वी नीड टू सी के वहाँ कस, आपके कस्टमर का टारगेट मार्केट का उसके कल्चर क्या है उसके नॉर्म्स क्या हैं वो किस तरीके से क्या उसके इवेंट्स क्या हैं उसकी हॉलीडेज़ क्या हैं हाउ डू दे बिहेव किस तरीके से वो डील करते हैं अपने कल्चरल सरकमस्टांसिस के अंदर इसी तरीके से सोशल क्लास इज ऑल्सो वन ऑफ़ द फैक्टर्स ऑफ लाइफ स्टाइल उसको ये देखना है कि मेरे पास कितने कस्टमर ऐसे हैं जो कि अपर मिडल क्लास से हैं मिडल क्लास से हैं लोअर क्लास से हैं या ए सेगमेंट बी सेगमेंट सी सेगमेंट हाउ डू यू वॉन्ट टू सी दी दी स्टेटिफिकेशन तमाम तरीके से उसको इवेलुएट करना है कि मेरे कस्टमर का लाइफ स्टाइल क्या है और अकॉर्डिंगली ताकि वो रिटेलर उस कस्टमर को वो प्रॉपर तरीके से सोलूशन प्रोडक्ट या सर्विस की सूरत में प्रोवाइड कर सकें जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो ऑफ़कोर्स कस्टमर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है कस्टमर के ऊपर एक रिटेलर की तरफ से और विच नॉर्मली कस्टमर को इनक्रेज करता है कि कस्टमर प्रोडक्ट को या सर्विस को बाय और अवेल कर ले। अब हम तीसरे एलिमेंट की तरफ आते हैं जो तीसरा एलिमेंट है वो है नीड्स एंड डिज़ायर्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है रिटेलर के लिए ये जानना कि जो उसका टारगेट कस्टमर है जिसको वो कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहा है उसकी नीड्स क्या हैं उसकी डिज़ायर्स क्या हैं अच्छा जब हम बात करते हैं नीड्स एंड डिज़ायर्स की सो सबसे पहले उसको ये देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट्स बेसिकली मेरा कस्टमर मेरा टारगेटेड कस्टमर ढूंढ रहा है उसकी डिमांड क्या है उसकी नीड क्या है अगर लेट्स मैं फॉर एग्जांपल टारगेट कर रहा हूँ एज ए ब्रांड एज ए कंपनी एज ए रिटेलर के मुझे जो है वो सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ काम करना है ब्रांडेड स्पाइसेस, ब्रांडेड मसाला, ब्रांडेड पल्सेस, ब्रांडेड राइस के साथ ही काम करना है लेकिन अगर मेरा कस्टमर जो टारगेट कस्टमर है वो एक्चुअली ब्रांडेड राइस या ब्रांडेड पल्सिस या ब्रांडेड स्पाइसिस बाय नहीं करता जबकि वो लूज राइस लूज स्पाइसिस लूज पल्स बाय कर रहा होता है तो उस सूरत में मुझे ये देखना है कि एक्चुअली उसकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट क्या है उसकी प्रोडक्ट नीड्स क्या है उसकी प्रोडक्ट डिज़ायर्स क्या है इसी तरीके से फिर उसकी पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट क्या है क्या नॉर्मली हमने बहुत बहुत स्ट्रांगली इसको ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ़ द केसेस के अंदर ऐसा होता है कि एक रिटेलर जो है वो लेट्स से अगर वो बल्क पैकिंग के अंदर प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा है तो डिपेंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो एरिया ऐसा होता है कि कस्टमर मे बी शायद वो 100 ग्राम और 200 ग्राम और 500 ग्राम और वन के जी की पैकेजिंग लुकिंग फॉर तो नॉर्मली हमने हमेशा ये देखना है कि क्या जो कस्टमर की नीड है वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं हो रही है बेशक वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो बेशक वो पैकेजिंग से रिलेटेड हो बेशक वो इसके अलावा और भी कोई एलिमेंट हो वो स्टोर के आवर्स से रिलेटेड हो वो कस्टमर की कन्वीनियंस से रिलेटेड हो वो स्टोर के इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो वो स्टोर में अरेंजमेंट फैसिलिटीज से रिलेटेड हो तो तमाम पर्सपेक्टिव में आपने कस्टमर की नीड्स को डिज़ायर्स को अंडरस्टैंड करना है एज़ ए रिटेलर और देन उसके ऊपर आपको प्लान आउट करना है मैं यहाँ एक बड़ी क्विक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मोस्ट ऑफ़ द केसेस अगर हम यूरोप या किसी और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के इनके हवाले से अगर हम बात करें किसी भी रिटेलर की सो वहाँ पे शायद कस्टमर की ना हो सर्विसेज के हवाले से कि वहाँ पर मॉस्क भी हो लेकिन इन जनरल इन इन द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान स्पेशली कस्टमर अदर देन द प्रोडक्ट और सर्विसज एक फैसिलिटी के तौर पर कस्टमर इंस्पायर कर रहा होता है कि आपके पास एज़ ए रिटेलर एक प्रेयर फैसिलिटी या प्रेयर रूम एटली ज़रूर हो जहां पर वो नमाज पढ़ सके दिस इज़ अदर देन द प्रोडक्ट दिस इज अदर द सर्विस सो ये कस्टमर की नीड अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं एज ए रिटेलर सो यू कैन ऑफ कोर्स सेल हिम गुड फोर्थ पार्ट हमारे पास क्विकली हम मूव करते हैं फोर्थ एलिमेंट के ऊपर वो है हमारे पास शॉपिंग एटीट्यूड एंड शॉपिंग बिहेवियर ऑफ़ द कस्टमर सो एज ए रिटेलर आपको देखना है आपको नोट करना है एनालाइज करना है कि मेरा कस्टमर का शॉपिंग एटीट्यूड क्या है जब हम बात करते हैं शॉपिंग एटीट्यूड की या शॉपिंग बिहेवियर की क्या मेरा कस्टमर जो है वो रिटेल स्टोर में एंटरटेनमेंट के लिए आ रहा है या सिर्फ ग्रॉसरी बाइंग के लिए आ रहा है या फॉर एग्जाम्पल ही इज लुकिंग फॉर कम्पलीट एक्साइटमेंट सोल्यूशन इन द स्टोर ज़्यादातर जहां पर डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर इफ यू गो इन टू द स्टोर तो इट इज द स्टोर इज मैंट टू बी ओनली फॉर द शॉपिंग लेकिन द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान वेयर द इज डेवलपिंग कंट्रीज तो कस्टमर के पास वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के लिए कोई जगह नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए इन्जॉयमेंट के लिए कोई जगह नहीं है सो दे आर लुकिंग फॉर कंप्लीट सोल्यूशन कस्टमर ये चाहता है वो वो अंडरस्टैंड करना चाहता है कि जहाँ पर स्टोर में वो जाए उसको लट से बच्चों के लिए प्ले एरिया भी मिल रहा हो और इस तरह की तमाम चीज़ें सो so, रिटेलर को क्या करना है तमाम शॉपिंग एटीट्यूड्स को नोट करना है बिहेवियर्स को नोट करना है ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो स्टोर में स्पेंड कराए और अल्टीमेटली दैट विल टर्न आउट टू बी गुड बिजनेस फॉर द रिटेलर देन फिफ्थ पार्ट की तरफ हम आते हैं दैट इज फिफ्थ एलिमेंट रिटेलर एक्शन फॉर ऑल ये देखना है रिटेलर ने कि मैं क्या एक्शन लेने जा रहा हूं अपने टारगेट कस्टमर को देखते हुए मैं कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करने जा रहा हूं क्या मैं मैस मार्केटिंग को फॉलो करूंगा मैस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को करूंगा या मैं लेट्स ए डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ या मैं कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ किसी एक कस्टमर फोकस ग्रुप को टारगेट करके प्लान कर रहा हूँ अपना या डिफरेंट सेट्स ऑफ ग्रुप को टारगेट करके मैं अपना स्ट्रेटजी बना रहा हूँ सो रिटेलर को तमाम अपने एक्शंस को प्लान करना है उसी तरीके से अकॉर्डिंगली और देन ही कैन लेट से इमीजिएटली टारगेट द कस्टमर्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं लास्ट एलिमेंट विच इज़ द इन्वायरमेंटल फैक्टर अगेन जिस तरह बाकी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, रिटेलर को ये देखना है कि कस्टमर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फेस करना पड़े वट इज़ द स्टेट ऑफ़ द इकोनमी क्या कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट क्या है प्राइसेस बढ़ रही हैं क्या कंपटीशन के अंदर प्राइस वॉर्स बहुत ज़्यादा हैं कौन कौन से नए स्टोर फॉर्मेट्स बिजनेस के अंदर आ रहे हैं तो वो तमाम बातों को ही नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन इवन टैक्सेशन रेगुलेशंस गवर्नमेंट ड्यूटीज वो तमाम बातों को द रिटेलर है कीप इन टू क्योंकि इसका इम्पैक्ट एट द एंड ऑफ़ द डे उस शॉपर के ऊपर है उस रिटेल शॉपर के ऊपर है जो कि रिटेलर के पास चीज़ों को प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आ रहा है सो so, अभी हमने वो तमाम एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं जो कि एक्चुअली हेल्प करते हैं एक रिटेलर को जो जो कि एक्चुअली ड्राइव कर रहे हैं कि एक रिटेल शॉपर को कैसे यू कैन इंडक्ट कैसे यू कैन कंक्लूड कैसे यू कैन इंडल्ज इन टू द शॉपिंग एक्सपीरियंस अपने पास और वो आपके साथ जो हमने परचेस की बात की कि वो आपके पास कन्वर्ट कर कन्वर्ट कर जाए Into the healthy purchase, or your business as a retailer can grow and excel in the long run.